प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए अपने मनों को तैयार करें। मेरे प्रिय दर्शकों, नौजवानों, अंकल आंटी, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 14 फरवरी पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे बनाना चाहते हैं। ठीक है, लोग अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, दोस्तों के बीच में हम देखते हैं कि कैसे चक्कर चल रहा है और अलग अलग चीजें लोग करते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, फूल देते हैं, इनाम देते हैं, या कोई ज्वेलरी देते हैं, गहने देते हैं, और या डिनर पे ले जाते हैं, लंच पे ले जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि ये जो दिल है ना, मैं अपना दिल आपको दे रहा हूँ। अलग अलग डायलॉग्स लोग बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं और कहते हैं, मैं अपना दिल तुझे दे दूंगा, है, आई गिव माई हार्ट टू यू, और एक दूसरे से अपनी मोहब्बत और प्रेम का इजहार करते हैं। पर क्या यही है प्रेम? क्या यही है एक दूसरे को? हम सोचते हैं कि क्या प्रेम इतना सस्ता हो गया है कि हम पीछे ट्रक के पीछे देखते हैं, आई लव यू, ओके टाटा। देखा होगा आपने ट्रक्स के पीछे, बसेस के पीछे लोग शायरी लिखते हैं, अलग अलग चीजें लिखते हैं, और लोग कहते हैं आई लव यू लिखते हैं, और बीच में इस हार्ट के अंदर एक तीर घुसा देते हैं अंदर, और कहते हैं कि किस तरह मेरा दिल खेदत है, मेरा दिल तुम्हारे लिए उमड़ रहा है, और मेरे पूरे हृदय से दिल की धड़कन हो तुम, और पूरे दिल से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। जरूर आपने भी ये चीज देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी, कहानियों में देखा होगा, या आस पड़ोस में या कॉलेज स्कूल में देखा होगा आपने। पर क्या यही प्रेम है? क्या यही हम जानते हैं कि यही प्रेम है? क्या मोहब्बत की सिंबल ये है? इज हार्ट द सिंबल ऑफ लव? क्या प्यार ही निशान है या चिन्ह है, या ये जो हार्ट शेप है? आपने देखा व्हाट्सएप में भी लोग हार्ट के दे देते हैं, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, स्नेह से, और हार्ट डाल देते हैं इसमें। क्या इज दिस द सिंबल ऑफ लव? क्या ये वो चिन्ह प्यार और मोहब्बत का? मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, देयर इज अनदर सिंबल, जस्ट अ सिंबल, हम याद करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द रियल सिंबल ऑफ लव? मोहब्बत, प्यार, प्रेम का असली चिन्ह क्या है? उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मुझे याद आ रहा है कि जरूर आपने भी अपना प्यार इजहार किया होगा कभी ना कभी,
शायद किसी को आई लव यू बोला होगा, या आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मुझे मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। शायद आपके दिल में कुछ अरमान हो या आप किसी को प्यार करते हो। ऐसी एक शख्स था नौजवान, और उसकी नई नई शादी हुई थी, और पर प्रॉब्लम यह हुई दोस्तों कि वो शादी तो कर ली पर दोनों मियाँ बीवी बड़े झगड़ते थे। यंग लोग थे और नई शादी हुई थी, बड़ा ही झगड़ा होता था उनका, कभी तू तू मैं ये वो फला फलू, बड़ा ही चक्कर चलता था। और जैसे कि मिसाल के तौर पे पहले साल हस्बैंड बोलता था तो वाइफ चुप रहती थी, खूब बोलता था उसको, दूसरे साल वाइफ बोलने लगी हस्बैंड चुप हो गया, खूब बोला उसने उसको, और तीसरे साल मेरे अजीजो दोनों बोलने लग गए इतना कि पड़ोसी सुनने लगे, है पड़ोसी सुनने लगे। अरे क्या यही है शादी, क्या यही है प्यार का रिश्ता। दोस्तों उन्होंने क्या करा, एक दिन एक बहुत बुजुर्ग कपल थे, हस्बैंड एंड वाइफ एक अंकल आंटी के घर गए, तो वहां गए उनको मिलने के लिए, और उन्होंने देखा और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि उस उम्र में लगभग 50 साल से भी ज्यादा साथ निभाया उन्होंने, और एक दूसरे के साथ 50 साल से भी ज्यादा शादीशुदा थे, और उन्होंने देखा कि क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है उन दोनों के बीच में। जैसे कि उन्होंने देखा कि पहले अंकल जी खाना खा रहे हैं, अंकल ने उनकी वाइफ ने उनके लिए खाना परोसा बड़े प्रेम से थाली में, और खाना दिया और रोटियां गरम गरम दी, और वो खाना खा रहे हैं बड़े मजे से, और ये दोनों नौजवान हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही समय के बाद, और उधर से उनकी वाइफ पंखा कर रही है, पंखा कर रही है, और अंकल बड़े अच्छी बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और फिर और सब्जी ला के दे रही है और रोटी ला के दे रही है, और रोटी में थोड़ा सा देसी घी भी लगा रही है। तो इन्होंने कहा, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे, देखो ये होता है प्यार। उसके बाद उन्होंने और हैरान हो गए कि उसके बाद अंकल ने जब खाना खा लिया, फिर वो बुजुर्ग आंटी बैठी और अंकल उनको पंखा कर रहे हैं और उनको आके खाना दे रहे हैं। उन्होंने कहा वाह कमाल है, ये होता है प्यार है। जरूर कोई हस्बैंड वाइफ देख रहे होंगे और कहेंगे क्या यार कमाल है, कितना देखो प्रेम है दोनों के बीच में है, काश हम भी ऐसा करें। और वो भी नौजवान भी ऐसी सोच रहे थे, और थोड़ी देर के बाद जाने से पहले उस नौजवान ने पूछा, अंकल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंकल, कि आप इतना प्यार कैसे करते, देखो हमें बहुत अच्छा लगा जब आप खाना खा रहे थे, आंटी पंखा कर रही और आपके लिए खाना ला के परोस रही, और जब आंटी खाने लगी तो आप उनको खाना ला के दे रहे हो और पंखा कर रहे हो उनको, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है, इसका राज क्या है। तो अंकल ने कहा, ए बच्चे मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये राज वाज कुछ नहीं है इसमें, पहले तो मैं ही खाऊंगा ना या वो खाएगी, दोनों को बारी बारी खाना पड़ता है ना। उसने कहा, अंकल जी क्यों, आप कैसी बात कर रहे हैं। हाय बेन बेटा ऐसा है कि हमारे पास एक ही डेंचर है, ये दांतों का सेट, अब उसका खराब हो गया, अब मेरा फिट हो जाता है उसको भी और मुझे भी फिट हो जाता है, इत्तेफाक की बात है, तो पहले मैं वो डेंचर से खाऊंगा ना, उसके बाद हम धोएंगे उसको और फिर वो खाएगी, अब इतने पैसे कहाँ एक और बनाने के लिए उस उम्र में। हैरान हो गए दोनों, हैरान हो गए हस्बैंड वाइफ नौजवान, अरे अंकल ये तो कमाल है, हाँ और क्या, अरे हमारे भी झगड़े वगड़े होते रहते पर क्या करें, मजबूरी है ना। दोस्तों क्या मोहब्बत, क्या प्यार एक मजबूरी है, है? क्या आप सिर्फ ऐसी एक किसी से प्यार करते हो कि एक का टेंचर नहीं है तो दूसरे को आप दे रहे हो। वो हैरान हो गए, शायद आप मुस्करा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं, पर मेरे अजीजों प्यार इससे बढ़कर है, प्यार इससे बढ़कर है। और असली मिसाल खुदावंद की ओर से है, दैट लव कैन ओनली बी एक्सप्लेन विद गॉड ओनली, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पहले योना में, गॉड इज लव, खुदा ही प्रेम है, गॉड इज लव, नॉट वॉज लव, इज लव, दैट इज हिज कैरेक्टर। खुदा का जो करेक्टर है वो मोहब्बत है। फिर और भी हम पढ़ते, गॉड इज अ ग्रेशियस गॉड, मर्सी
मर्सीफुल गॉड, अनुग्रह से भरपूर, दया करने वाला और विलंब करने वाला, क्रोधित नहीं होता जल्दी। वो अलग अलग कैरेक्टर पढ़ते हैं, उनमें से सबसे सुप्रीम कैरेक्टर जो खुदा का है वो है प्यार। गॉड इज लव। दोस्तों ये तो आपने सुना होगा कि किसी ने आपको आई लव यू बोला होगा, पर कभी आपको जिंदगी में लव लेटर मिला है? कभी लव लेटर? पुरानी बातें मैंने खोल दी ना है। वो जरूर जब पहला लव लेटर या पहला ईमेल आया होगा आपके पास, या पहला मैसेज आया होगा जिससे आप बहुत प्यार करते हो है, या आपकी वाइफ से पहला लव लेटर आया होगा, एक स्पेशल अफेक्शनेट लेटर आया होगा, उसको संभाल के कहीं आपने किसी किताब में या कहीं ना कहीं लेके रखा होगा जरूर किसी ड्रॉर में, कबर्ड में। मैं चाहता हूं उस ड्रॉर को खोल लीजिए आज, और मैं बताना चाहता हूं कि खुदावन ने, परमेश्वर ने एक बहुत जबरदस्त लव लेटर हमें दिया है, ब्यूटीफुल लव लेटर। वो क्या है लव लेटर, मैं बताना चाहता हूं, यही तो है कलाम। दिस इज गॉड्स लव लेटर टू मैनकाइंड। इस मनुष्य जाति के लिए ये खुदावन का, वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, वो परमेश्वर जिसने सारे सितारों को अपने नाम से बुलाता है, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे रचा और बनाया, वो जो आदि और अंत है, वो जो अल्फा और ओमेगा है, वो जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी, एंड द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, इस भूमंडल का खुदावंद, राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह और प्रभुओं का प्रभु का लव लेटर है ये। दिस इज हिज लव लेटर। और इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत एक आयत है जो इस लव लेटर का लुबे लबाव या समरी है या निचोड़ है, वो ये है। दोस्तों ये लव लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और इस लव लेटर में क्या लिखा है आप खोल सकते हैं अपनी बाइबल, प्लीज। अगर आपके पास बाइबल है, मैं हमेशा कहता हूं ये खुदा का कलाम है, जमीन और आसमान टल जाएंगे पर एक छोटा सा बिंदु भी नहीं इस वचन से टलेगा, वो ये है यूहन्ना 3:16। समझ गए आप? आपको तो शायद मुंह जबानी भी याद होगा, बच्चों को याद होगा, संडे स्कूल में पढ़ा होगा, पर जिन्होंने आज तक इस लव लेटर को नहीं सुना, मैं आज खुदावंद का एक खादिम आपके सामने ये लव लेटर का खुलासा करना चाहता हूं। तो प्लीज आने वाले चंद मिनटे आप इधर उधर ना देखें। क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? क्यों? क्योंकि जब एक लव लेटर आता है ना आपकी प्रेमिका से या आपके प्रेमी से जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तो आप कोने में चला जाता है आदमी और छुप के उसको खोलता है, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और आंखों में अजीब अजीब तारे से आ जाते हैं और चेहरा ग्लो करने लग जाता है, ये जो है ना आपके गाल लाल हो जाते हैं जब एक प्रेम पत्र आता है। मैं चाहता हूं वही फीलिंग, वही जज्बात, वही एहसास आज आपके दिल में और आपके सीने में आ जाए, और एक ऐसी शांति और ऐसी खुदा की मोहब्बत की लहर आपके दिलो दिमाग में बह जाए आज। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इधर उधर ना देखिए, बड़े गौर से, जिन्होंने आज तक इस आयत को कभी नहीं गौर किया ना कभी सुना खुदावंत के इस लव लेटर को, जो वैलेंटाइन के डे में लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं आज खुदावंत जो शहंशाहों का शहंशाह है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यीशु का मतलब उधार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। किसके लिए भेजा हुआ? आपके लिए और मेरे लिए। क्यों भेजा? ताकि वो हमें हमारे पापों से बचा ले, और पापों से बचाने के लिए जो कुछ उसने किया, ये चिन्ह नहीं है, मैं कुछ और बताऊंगा आपको, जो कुछ उसने किया एक लव लेटर में लिख के दे दिया, ताकि हम अपने दिल के डाकखाने में इसको ग्रहण कर ले, उसको रिसीव कर ले और आज इसको अपनाने। दोस्तों ये है, इन इंग्लिश में इस तरह है, John 3:16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट हूसोएवर बिलीवेथ इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव
एवरलास्टिंग लाइफ, हिंदी में इस तरह योहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इस कदर मोहब्बत करी, प्रेम किया, कितना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, ईमान लाए, वो हलाक ना हो, नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी या अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, दिस इज दैट ब्यूटिफुल लव लेटर। ओ, इसका तो मैं हिसाब ही नहीं बता सकता हूं। ये है मैसेज बाइबल का, कि खुदावंद ने, परमेश्वर ने, जो सनातन से सनातन तक रहने वाला परमेश्वर, जो ऐसी ज्योति में रहता है जिसमें कोई जा नहीं सकता, वो परमेश्वर जो अति 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 पवित्र परमेश्वर, जो सिंहासन में विराजमान, जो पूरे स्वर्गों की आराधना का सेंटर है, दोस्तों वो कह रहे हैं कि फॉर गॉड सो लव, इतना प्रेम किया कि लेखक जो योहन्ना है, खुदा की आत्मा के द्वारा जो लिख रहा है, जिसने आंखों देखा हाल लिखा, जो सुना वो लिखा, उसके पास कोई शब्द ही नहीं था, उसके पास कोई शब्द नहीं था, सो लिख दिया उसने, सो लव द वर्ल्ड। ओ, इतना मोहब्बत करी खुदा ने आपसे और मुझसे, वर्ल्ड में कौन रहता है? है टाइगर से, एलिफेंट से, हाथी से, घोड़े से, बंदर से, है मछलियों से, क्या तोते से? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्या बात कर रहे, इंसान रहते हैं। वो कौन है इंसान? वो आप है और मैं हूं दोस्तों, मैं हूं। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। और हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में कि हम यरमिया की 31 में और तीसरे पद में, यरमिया 31:3 में लिखा हुआ है, यहां मैं आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, मैं तुम्हें अनंत काल के प्रेम से मोहब्बत करता हूं, आई लव यू। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा, गॉड इज नॉट मैन हू दैट लायथ, हिज प्रॉमिसेस आर ये एंड आमीन, उसका हर वादा हाँ और आमीन है। मेरे अजीजों, वो खुदावंद कल आज और हमेशा एक सा है, यस्टरडे टुडे और फॉरएवर, ही इज द सेम, द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड एंड्यूरेथ फॉरएवर। उसका जो मोहब्बत और प्रेम है, जो एक जैसा है, वो अवधि है, अनंत काल का प्रेम है, वो कभी खत्म नहीं होता दोस्तों। वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो इलाही मोहब्बत, दैट एगेपे प्यार, फिलियो नहीं, और बाकी जो प्यार है वैसा प्यार नहीं है, शारीरिक प्यार जो है, या मम्मी डैडी का जो प्यार है, अच्छी बात है, भाई बहन के बीच में प्यार अच्छा है, हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छी बात है, मोहब्बत करो लोगों से, अपने परिवार से, लोगों से, पर ये प्यार है इलाही मोहब्बत, इट इज डिवाइन लव, इट इज एगेपे लव, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। वो क्या प्यार है? व्हाट इज दैट लव? सैक्रिफिशियल लव। सबसे पहली बात, द फैक्ट ऑफ दिस लेटर, जो हकीकत है, दैट गॉड लव्स यू। हाँ, फॉर गॉड सो लव अल्फ्रेड, फॉर गॉड सो लव रमेश, फॉर गॉड सो लव मेरी। खुदावन ने आपसे प्रेम किया, अपना नाम डाल सकते हैं आप, ही लव्स यू, ही लव द वर्ल्ड। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे पहले प्यार किया है, और हम इसलिए उसको प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया है। दोस्तों, बहुत प्यार करता है परमेश्वर, मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े लोग आए, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, क्या क्या लोग ने बड़ी बड़ी अपनी कहानियां लिख दी, बड़े बड़े दास्तां है। यहाँ दिल्ली में आइए, आईएसबीटी के पास है क्या, मजनू का टीला कहते हैं, लैला मजनू की कहानियां आपने सुनी होगी, कितनी मोहब्बत थी, खत्म हो गए वो लोग, कहां है वो प्यार, कहां है वो लोग, कबर है वो, इट इज अ ग्रेव। क्या वो प्यार है? क्या वो प्यार है दोस्तों? प्यार ये है, हियरन इज लव, खुदावन का कलाम कहता है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। क्या प्यार है? वो अवधि प्यार, द फैक्ट इज गॉड लव्स यू। दूसरी बात, व्हाट इज द एक्ट? हाँ बोलो, फैक्ट तो है, ठीक है, करा क्या?
कहां कुछ एग्जाम्पल दिखाई है हमें? आप कहते हो आई लव यू आई लव यू लव यू, पर कोई कार्य नहीं है, है? क्या प्यार है? वेयर इज दैट लव इन एक्शन? ये है लव इन एक्शन. क्या है? द एक्ट. कार्य क्या है? एक्ट ये है दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. कौन है वो इकलौता पुत्र? कौन है वो जो मुजस्सम हुआ? कौन है जो देहधारी हुआ? प्रभु यीशु मसीह. उसने मानव चोला पहना, वो हमारे बीच में आया, इमैनुअल बना, डेरा किया 2022 साल पहले. आज की तारीख जोड़ लीजिए उसमें. प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर देहधारी हुआ, इंसान बन के आया, एक चरनी में पैदा हुआ, कुमारी से पैदा हुआ, और वो आया इस दुनिया में. आया हम पैदा होते पर वो आया. क्यों आया? हम गुनहगारों को बचाने के लिए आया. और क्या करा उसने? उसने अपने आप को फिदिये में दे दिया हमारे बदले में. खुदावन के कलाम में लिखा है कि हर एक ने पाप किया है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं है, और पाप की मजदूरी मृत्यु हम पे है. हम पहली सी कंडेम है दोस्तों, सच कह रहा हूं. पहली सी सेंटेंस पास हो गया हम पे. हम पहले सी गुनेगार है दोस्तों. हमारे में कोई अच्छाई नहीं है. देर इज नन राइटियस, नो नॉट वन. देखिए अपने हृदय को, इस हृदय को जिसको आप लव के सिंबल घुमाते हो सब जगह. देखिए, देखिए, सोचिए इसके बारे में. ये हृदय ढोंगी है, दुष्ट है. यही हृदय आपको कहता है बुराइयों की ओर जाने बजाय अच्छाई की ओर. संत पॉल कहता है, पौलुस कहता है, ये मैं चाहता हूं कि अच्छा करूं. मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू गुड बट आई डू बैड. मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा करूं पर बुराई की ओर ज्यादा जाता हूं बजाय अच्छाई की ओर. दोस्तों ये हमारी फितरत है, दिस इज आवर नेचर. हमें जो आदम से मिला हम कुछ नहीं कर सकते. सचमुच दोस्तों हम बिल्कुल ही वी आर हेल्पलेस. हम गुनेगार हैं, नर्क के हकदार हैं दोस्तों. देखिए अपने विचारों को, देखिए अब कितनी बुरी बातें करते, झूठ कितना बोलते हैं लोग. कहां से आ रहा है? इसी हृदय से आ रहा है दोस्तों. ही नोज द वर्स्ट अबाउट अस. गॉड नोज द वर्स्ट अबाउट अस एंड येट ही लव्स अस. अगर आप एक अकेले होते ना इस दुनिया में गुनेगार, किसी ने खूब गाया, फिर भी खुदावन मुजस्सम होता, देधारी होता, फिर भी आता आपको बचाने के लिए. सचमुच शायद आज कोई जो सुन रहा है, आप सोचते मुझे कोई प्यार नहीं करता. बड़े लोगों ने बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें बोली, आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपको छोड़ दिया. हाँ, एक है हमारा भाई जिनको हम जानते हैं, बड़ा अजीज है. उसके पास नौकरी नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी बीवी ने छोड़ दिया उसको क्योंकि वो बहुत अच्छा कमा रही है. मुझे मालूम नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है. क्या आपका दिल भी टूटा हुआ है? क्या आपको भी लोगों ने धोखा दिया है? जिससे आपने प्यार किया उसने आपके प्यार को ठुकरा दिया? क्या आप सच्चे प्रेम के तलाश में हो? क्या आप ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा हो जो मुझे प्यार करे? और दोस्तों एंड में लिखा है व्हाट इज द पैक्ट, समझौता क्या है? व्हाट इज दैट पैक्ट, व्हाट इज दैट एग्रीमेंट जो इस पढ़ते इस लेटर में, लव लेटर में, दैट हूसोएवर बिलीवर. उसमें अपना नाम डाल सकते हो, एल्फ्रेड. इफ एल्फ्रेड बिलीवर, अगर जो कोई ब्लैंक है वो आप अपना नाम लिख सकते, जो कोई उस पर विश्वास है. किस पे? प्रभु यीशु मसीह. क्या क्या विश्वास लाना है? कि वो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जिंदा ही स्वर्ग में गया. और ये अंगीकार करना कि मैं पापी हूं, उसको ग्रहण करना है. और सलीब पर उसने अपनी जान दी. ये मोहब्बत है. इससे बढ़कर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 में और 13 में, ग्रेटर लव है नो मैन देन दिस. इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा या सीमा नहीं हो सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे. दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स. दोस्तों उसने आपसे इतनी मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत करी कि हम गुनहगार पर सजा उसने अपने ऊपर ले ली. उसने खुदा का गजब अपने ऊपर ले लिया. वो नरक सा उसने, वो मृत्यु चखी जिसको कभी नहीं मरना. वो परमेश्वर उसने, क्योंकि हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो मारा गया, उसने अपना लहू बहाया, उसको दफना दिया गया, जी उठा वो. द क्रॉस इज दैट ग्रेट सिंबल ऑफ लव. सलीब पर जबकि और आप नजर करो,
when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, एक बड़ा चाहे मैं जब मैं देखता हूं, सर्वे करता हूं उस सलीब पर जहां पे वो जो 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 जलाली जो जो प्रिंस था, राजकुमार था, महिमा का राजकुमार, उसने अपनी जान दी। दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए वो कुर्बान हो गया। मेरा समय तो खत्म हो गया, पर मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आज ये लेटर आपकी ओर है, प्लीज इसको ग्रहण कर लीजिए। इससे और कोई रास्ता नहीं है नरक से बचने का, पापों की क्षमा और किसी के पास नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। बहुत प्यार करता है, हम गुनहगारों से कौन प्यार करेगा, किसी धर्मी से तो कर लेगा, या जान की कोई बाजी लगाते, कौन आपके लिए जान देगा, कोई देगा इस गुनहगार के लिए जान, मुझ जैसे गुनहगार के लिए कोई जान देगा, नहीं दोस्तों, नहीं। आज भी वो सलीब हमें दिखती है, है? उन हाथों में कील ठुके हुए हैं, वो लहू बह रहा है, अपने हाथ फैलाए हुए उसने कि कोई आ जाए वापस, लौट आए, लौट आइए आज और बोलिए खुदावंद मुझ गुनहगार पे दया करो, आप मुझसे इतना प्यार करते हो प्रभु, मैं आज जान गया हूँ प्रभु, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए सलीब पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ये दिल मैं आपको देता हूँ प्रभु, मेरा दिल, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मैं आपको देता हूँ प्रभु, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है और अपना दिल उसको दे दिया है, उसकी मोहब्बत को ठुकराना मत दोस्तों, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है, उसका जैसा प्यार और कोई प्यार नहीं है। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। YouTube JeevanJalTV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30, हर बुधवार शाम 6:30 और शनिवार रात 9:00 इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।